नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मेरे साथ गोविंद पारीक, और हम बात कर रहे हैं इनसाइड संबंध सीरीज में। तो जब इनसाइड संबंध सीरीज की बात करें गोविंद, तो आपके बारे में मैं परिचय देते हुए कुछ कहूँ तो आपको कैसा लगेगा? आप जो भी कहेंगे अच्छा कहेंगे, और अपनी तारीफ सुनना सबको पसंद होती है, लेकिन आप जो भी दें वो संक्षिप्त और जो वास्तविकता है उसी का हो। ये संक्षिप्त को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, तो संक्षिप्त में बंदा बड़ा अच्छा है, बस इससे ज़्यादा क्या संक्षिप्त हो सकता है। फिर भी ये कह दो कि रेडियो में रहा, टेलीविज़न में रहा, और हाई पोजिशन में राजस्थान सरकार में पब्लिक रिलेशन के साथ इनका संबंध रहा, इन्होंने जर्नलिज्म पढ़ा भी और पढ़ाया भी है, और बहुत सारी बातें इनके बारे में। एक बात मैं ये कह रहा था कि जहाँ जहाँ आप जाएंगे तो ऐसा लगता है कुछ लोग इस तरह का केंद्र बने होते हैं कि उनके आसपास आत्मीयता का जैसे आलोक जगमग करता है। कैसा मैंने कहा? ठीक कहा, बहुत शानदार कहा है। आत्मीयता का आलोक जगमग करता है, और मेरे ख्याल है ये एक मनुष्य की स्वयं की इच्छा होती है कि अगर वो कहीं जा रहा हो तो वहाँ पर आत्मीयता का एहसास, वो शायद जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, वो सबसे बड़ा आनंद देता है खुद अपने को भी। और जो आत्मीयता का आलोक जब जगमग करता है, तो जब खुद जगमग होता है व्यक्ति, तो वो फिर वो प्रकाश दूसरों को भी फैलाता है, तो उस आत्मीयता के आलोक से दूसरे लोग भी फिर जगमग होते हैं। तो अब ये हम जगमगाहट बढ़ाने वाले हैं संबंधों को लेके। तो संबंध जो है वो जीवन को कैसे प्रकाशित करते हैं, या हम संबंध के बारे में एक प्रकार की स्पष्टता की पहचान कब प्राप्त करते हैं, उसको लेके आपके जीवन में यदि जाएं हम, बचपन की तरफ चलते हैं, अभी जो आश्वस्त भाव आपके अंदर है, उससे पहले जब आप पगडंडियों पर थे, टटोल रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, तो एक छोटे बच्चे के रूप में हम पहले अपने माता पिता के साथ संबंध के बारे में थोड़ी पहचान करते हैं। आप अपनी वो स्मृतियाँ हमारे साथ बांटें जब आपको लगा कि ये मेरे बाबूजी हैं, ये मेरे माताजी हैं, और इनका मैं ऋणी हूँ, या समझिए इनसे मुझे वो मिल रहा है जो बहुमूल्य जीवन में, इस प्रकार का एक संबंध का जो सेतु स्पष्ट हुआ। सही कहा आपने बिल्कुल, कि संबंध और जो संबंध की शुरुआत, जब मनुष्य जैसे ही होश संभालता है बच्चा, उसके साथ ही संबंधों की शुरुआत होती है। और संबंध, क्योंकि जब बच्चा होश संभालता है तो सबसे पहला संबंध उसकी माँ से होता है, अपने पिता से होता है, अपने भाई बहनों से होता है, अपने पड़ोस में रहने वालों से होता है, अपने रिश्तेदारों से होता है। स्वाभाविक रूप से मेरे साथ भी यही रहा कि मैं जब संबंध जब होश संभाला तो माता जी के साथ में आत्मीयता का स्तर जो बना वो निरंतर अब भी जारी है। पिताजी के साथ संबंध बना, निरंतर जारी रहा। माताजी के साथ विशेष आत्मीयता रही, वो संभवतः अधिकांश बच्चों की भी रहती है। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ी जैसे जैसे समझदारी बढ़ती जाती है, तब एक अलग तरह की चीज़ सामने आती है कि भाई बहन भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, वो एक अलग अलग दायरा बढ़ता जाता है। तो तब आत्मीयता का स्तर वो मनुष्य की अपनी इच्छा और विवेक के ऊपर निर्भर करता है, एक तरह से ओरा पर निर्भर करता है कि मेरा ओरा उनके ओरा से मैच कर रहा है, तो संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। मैं देखता हूँ कि मेरे दो भाई हैं और दो बहनें हैं, लेकिन एक बहन के साथ में मेरा विशेष आत्मीयता का संबंध है जो प्रारंभ से था और वो निरंतर अब भी जारी है, कि और भाई बहनों की बजाय उसके प्रति एक अलग तरह की आत्मीयता का एहसास होता है। फिर इसके बाद मैं और आगे जाता हूँ तो रिश्तेदारों में देखता हूँ, तो मेरे एक बहुत छोटे मामा जी थे जो उम्र में मेरे से 8-10 साल बड़े होंगे, लेकिन उनसे संबंध, एक मित्रवत संबंध, संबंधों में ये चीज़ रह जाती है कि हम उनसे क्या सीख रहे हैं, हम उनसे वो क्या चीज़ें हैं जो हमें उनकी आकर्षित करती है। अगर मुझे लग रहा है कि उनकी सिंसियरिटी मुझे आकर्षित करती है, उनका हंसी मजाक करना मुझे अच्छा लगता है, उनका पब्लिक के साथ में मिलना, लोगों से मिलना, लोगों का सहयोग करना मुझे अच्छा लगता है, तो शायद मनुष्य उनकी अच्छाइयाँ सीख करके खुद अपने अंदर उनको ढालने की कोशिश करता है। जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है, प्रारब्ध अपनी जगह पर है, माता पिता के संस्कार भी हैं, लेकिन माता पिता के संस्कारों के साथ साथ जो अपने संबंधों से व्यक्ति जब सीखता है, और उन संबंधों के में जब आत्मीयता के एहसास के साथ जब ये एहसास होता है कि मुझे ये काम करते हुए देखना अच्छा लगता है, किसी बच्चे को हो सकता है क्रियोलिटी देख करके मज़ा आ रहा होगा, वो शायद उसके प्रारब्ध रहे होंगे, फिर उसके संबंध भी जो क्रियोलिटी वाले लोगों की तरफ बढ़ते होंगे, लेकिन बचपन में अगर बहुत सात्विक चीज़ें देखता रहा है तो शायद सात्विकता की तरफ उसके भाव भी और ज़्यादा प्रेरित होंगे। मुझे ऐसा लगा कि अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से, अपने जो प्रारंभिक जीवन था उसके साथ, और अपने रिश्तेदारों में, विशेष तौर पर मैं जैसे मामा जिन का उल्लेख कर रहा हूँ, और उसके बाद अपने दादा दादी से भी। मेरे दादाजी गांव में एक बिल्कुल बिना चुने हुए सरपंच जैसे होता है ना, नेता, स्वाभाविक नेता,
जो हर तरह की हर मर्ज की दवा है कि किसी को बीमार है तो उपचार के लिए भी लोग आ रहे हैं, किसी का विवाद है तो उसका निस्तारण करने उनके पास में आ रहे हैं, किसी को कोई सलाह चाहिए उनसे सलाह ले रहे हैं। तो वो एक रायचंद की भूमिका होती है ना कि हर व्यक्ति को जो चाहिए वो उनके पास उपलब्ध है। उनका नाम क्या था? गंगाराम बोहरा वो लिखते थे, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनके व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित रहा बचपन से, तो वो चीज़ें मुझे खुद अच्छी लगने लगी और मैं भी अपने जीवन काल में उन सब चीज़ों को अपनाने लगा। मुझे खुद अच्छा लगने लगा कि कोई व्यक्ति बीमार है मैं उसके उपचार में सहयोग कर सकता हूँ, तो मुझे बड़ा आनंद आने लगा। उसके साथ किसी व्यक्ति को सलाह मांग रहा है तो मैं उसके साथ घूम रहा हूँ और अपना समय जाया करके, अपना परिश्रम जाया करके, और कहीं जाना है तो मैं उसके लिए अपना जो भी अपना खर्च करना है वो करके भी मैं उसके साथ सहयोग करने के लिए तत्परता की तरफ बढ़ता हूँ। तो ये चीज़ें बचपन के संस्कारों से और उनसे दादाजी से जो सीखा वो सारी चीज़ें उसके साथ में जुड़ती हैं। ये गोविंद जी, ऐसा होता है कि कुछ लोग इंस्टेंटली रिलेट हो जाते हैं दूसरों के साथ में, कुछ लोग होते हैं वो बहुत रिजर्व होते हैं, उनको बहुत सोचना पड़ता है कि मैं क्या बात करूंगा। मुझे लगता है आपके साथ ऐसी स्थिति नहीं आई या कभी रही है जब आपको सोचना पड़ा हो कि मैं अमुक लोग जो सामने हैं उनसे मैं बात करना कैसे शुरू करूंगा? मेरे साथ ऐसी कोई कभी कोई ऐसी स्थिति आई नहीं। जब किसी से बात करने के लिए बैठते हैं या कहीं बैठे हुए हैं, किसी व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से भी मिलते हैं, तो मिलने के बाद में ये भी ईश्वर की कृपा है कि मेरे पास बहुत सारे हर तरह के विषय के ऊपर थोड़ी 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 जानकारी हो सकती है। तो कहीं भी बैठे कई तरह के लोगों को कई तरह के विचार पसंद है, कई तरह अलग अलग तरह के सब्जेक्ट उनकी चॉइस के हो सकते हैं। अच्छा, फिर जब बात शुरू करते हैं तो किसी भी तरीके से बातचीत शुरू हो जाती है। शुरू होने के तुरंत बाद मेरे आकर्षण का कोई सब्जेक्ट है तो उसके ऊपर बात शुरू होगी, सामने वाले के आकर्षण पर है तो वो बात निरंतर बढ़ती जाएगी। अगर बातचीत शुरू हुई, सामने वाले के आकर्षण का विषय पता चला तो उस विषय के ऊपर आगे बातचीत चलती जाएगी। तो ऐसा कोई ऐसा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें इस व्यक्ति से मिलते समय किसी खास विषय को चुनना है, वो स्वाभाविक तौर पर आता रहेगा और वो स्वाभाविकता में शायद और ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। अच्छा, जो संबंधों के वर्गीकरण के बारे में आज के युग में कई लोग सोचते हैं भाई ये अमुक प्रकार के लोग हैं, ये अमुक प्रकार के लोग हैं, आप अपने दिमाग में ऐसी कोई एक फाइल जैसी अनकॉन्शियसली रखते हैं क्या कि भाई ये अमुक तरह का है, या सबके साथ आप एक ही प्रकार का भाव रख के मिलते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ भाव तो समरूप रहता है कि अपने हैं तो अपने हैं तो हैं, उनके साथ उसी स्वरूप में उनके साथ समय भी निकालना है, उनके लिए कुछ काम करना है तो उसके लिए भी अपने को तत्पर रहना है। लेकिन हाँ, ये तय है कि उसमें वर्गीकरण एज सच कुछ सोच समझ के नहीं किया जाता, स्वाभाविक तौर पर वर्गीकरण हो जाता है। अगर आप यूएसए से आ रहे हैं तो मेरी प्रायोरिटी सारी चीज़ें छोड़ करके आपका यूएसए से यहाँ आने पर आपके साथ समय बिताना मेरी प्राथमिकता हो गई, वो स्वाभाविक रूप से होता है। उसमें कुछ सोचने और उसका उसके लिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कहीं एक साथ, क्योंकि जीवन में हर जगह चयन की तो ज़रूरत पड़ती है, प्राथमिकताओं की ज़रूरत पड़ती है, प्रायोरिटीज़ तय करनी पड़ती है। मेरे संबंधों का दायरा बहुत विशाल है, मुझे हर क्षण उस समय सोचना पड़ रहा है कि इस समय मुझे क्या करना है, एट ए टाइम बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। लेकिन फिर मैं इसको थोड़ा सा अपने फ्लोटिंग वे में छोड़ देता हूँ, परिस्थितियों के ऊपर रख दिया और उसके ऊपर ज़्यादा चिंतन करने की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करता कि जो उस परिस्थिति के अनुरूप जो चीज़ होनी चाहिए वो स्वाभाविक तौर पर होती रहे। अगर मैं उसमें ये बाध्यता रखूँगा कि नहीं मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पर मिल लिया, मुझे दूसरी जगह जाना है, लेकिन शायद उस समय किसी और चीज़ की ज़्यादा प्राथमिकता की ज़रूरत होगी तो मैं उसको छोड़ करके वहाँ जाऊँ तो वो मुझे उचित नहीं लगता। फिर वो जैसी समय की परिस्थितियाँ के जिस तरह के अनुरूप हो, मैं उसी के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश करता हूँ। और साथ में ये भी है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो शायद मैं बहुत तनाव में आ जाऊँगा। तो और फिर जब संबंधों में प्रगाढ़ता होती है, अगर किसी ने किसी पर्टिकुलर समय पर बुलाया और मैं जा नहीं पा रहा हूँ लेकिन संबंधों में प्रगाढ़ता है, तो उस स्थिति में और मेरी परिस्थितियों से जो लोग परिचित हैं तो वो जान भी जाएंगे कि हाँ उनकी परिस्थितियाँ ऐसी रही होंगी, तो वो अपनी परिस्थितियों के अनुरूप आचरण कर लिया। और लेकिन हाँ, मैं कंपनसेट कर लेता हूँ फिर उसको, अगर मुझे लगता है कि मेरे कारण कोई आहत हुए या मेरे कारण किसी का समय ख़राब हुआ तो मैं कोशिश करके उनको कंपनसेट करके ताकि उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। जो भावना शब्द आप ठीक लाए, क्योंकि भावना या इमोशंस, और एक होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कई बार ऐसा होता है कि संबंधों में इन दोनों के बैलेंस की भी ज़रूरत अपनी तरफ से भी रहती है, दूसरों की तरफ से भी हमें लगता है कि कुछ लोग हम इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं या एटलीस्ट इंक्लाइंड होते हैं और वो बड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं इस प्रकार का। तो संबंधों की कंटिन्यूटी रहे इसके लिए आप कॉन्शियसली
जो कुछ सीखे हो संबंधों से उसके बारे में कुछ बताएं, चाहे पहले से कोई एक इक्वेशन जैसी नहीं भी रहे तो भी जो आपका ऑब्जर्वेशन लाइफ का रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हेल्दी रिलेशनशिप बनी रहे इसके लिए क्या बात आपके दिमाग में आती है? देखिए, मेरा मानना है कि रिलेशंस में, अब संबंध कई तरह के संबंध है, एक रिश्तेदारी है, वह रिश्तेदारी में भावना नहीं हो तो भी एक बार कंपल्शन सा हो जाता है कि भाई ये रिश्तेदार है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे मामा है, मेरा मौसा है, चाचा है, तो कई बार औपचारिकताएं निभाने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थितियों में थोड़ी बहुत औपचारिकताएं निभाने को मैं ऐतराज़ नहीं मानता, उनके लिए थोड़ा बहुत अपने को त्याग करना पड़ रहा है तो भी कुछ त्याग कर दिया जाए, क्योंकि उन लोगों की अपने से अपेक्षाएं होती हैं। तो कई बार कई चीज़ें जो हमें बहुत अच्छी नहीं लग रही लेकिन सामने वाले को बहुत अच्छी लग रही है, अपना एक छोटा सा प्रयास जो हमारे लिए प्रतिकूल है लेकिन सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है, तो उस स्थिति में वो त्याग करने मेरी प्राथमिकता रहेगी कि वो ऐसा त्याग कर दिया जाए अगर सामने वाले को बहुत प्रसन्नता होती है। रिश्तेदारी का अलग मतलब, दूसरा मित्रता का भाव है। मित्रता में वहाँ पर इमोशंस और अच्छा, मित्र बहुतेरे मित्र अलग अलग तरह की विचारधाराओं के, कुछ मित्र ऐसे हैं जो बहुत ही इमोशनल हैं, संभवतः हमें उनकी इमोशंस को ध्यान में रखते हुए हमें उनको भावनात्मक दृष्टि से उतना ही सुदृढ़ उनके लिए होना होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक है, तो अगर हम उन व्यवहारिक लोगों के साथ भावनात्मक रूप से ज़्यादा जुड़ गए तो हमें कभी भावनात्मक रूप से ठेस भी पहुँच सकती है, तो शायद वहाँ थोड़ा सा व्यवहारिकता का पुट स्वाभाविक रूप से ज़्यादा आ जाएगा। तो इसमें एक एक संतुलन की ज़रूरत होती है कि कहीं व्यवहारिकता की ज़रूरत है तो वहाँ व्यवहारिकता की तरफ थोड़ा बढ़ गए, कहीं भावनात्मक ज़रूरत है तो वहाँ थोड़ा सा इमोशंस स्वाभाविक तौर पर जागृत भी हो जाती है। समग्र रूप से मैं ये कहूँगा कि कहीं भावनात्मक, कहीं व्यवहारिकता पक्ष, इन दोनों के बीच संतुलन और तालमेल शायद वही संबंधों में आनंद ला सकता है। तो ये संबंध में तालमेल रहे और संतुलन रहे, इसके बारे में एक कंटिन्यूस लर्निंग लाइफ के द्वारा हमारे लिए खुलती रहती है। आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा मनुष्य जिसके बारे में सोचें तो आपको लगता है कि उसका जो रिलेशंस को अपनाने का और उनको निभाने का जो ढंग है वो आपको बहुत पसंद आता हो, ऐसा कोई, अगर हम रोल मॉडल ना भी कहें तो कोई ऐसा बंदा जो आपको इस दृष्टि से काफ़ी स्टैंडर्ड लगता हो? बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा, और पहले आपके सवाल के जवाब पहले जवाब दे देता हूँ। एक चीज़ मैं सिर्फ एक चीज़ और जोड़ना चाहता था उस सवाल के जवाब से पहले, वो ख़ासतौर पर यह है कि संबंधों में जब हम संबंध निभाते हैं तो उस स्थिति में इस बात की कल्पना नहीं करनी चाहिए कि जो जिनसे हम संबंध निभा रहे हैं वो परफेक्ट हो। परफेक्शन, वो भगवान श्री कृष्ण थे परफेक्ट, हम किसी से परफेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते उतनी। हर व्यक्ति में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी कमियाँ भी हैं। हम किसी को स्वीकार करते हैं तो उसकी अच्छाइयों और कमियों दोनों के साथ स्वीकार करते हैं, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, केवल उनकी अच्छाइयों को तोलते जाएं, और जिस दिन हमें पता लगा कि उनकी ये छोटी छोटी कमियां हैं तो उन कमियों से हम आहत महसूस करेंगे। और हर व्यक्ति के साथ में कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है, तो प्लस माइनस सब चलता रहता है। हमें उनकी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस में अगर उलझ गए तो फिर संबंध निभाने मुश्किल हो जाएंगे या संबंध बनाने भी मुश्किल हो जाएंगे, और अगर हम परफेक्शन ही तलाशने लगे तो शायद पता लगेगा कि हमें बहुत रेयरली कोई आदमी मिल पाएगा। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे कुछ ऐसे मित्र भी मिले जिनसे जो परफेक्शन के बहुत आसपास में हैं। मैं खासतौर पर मेरे मित्र नितिन सारस्वत जी का जिक्र करना चाहूँगा, आपका जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन मैं नितिन सारस्वत जी को मैं करीब 20 साल से मेरा परिचय है, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो व्यक्ति हमेशा सदैव अपने संबंधों की प्रगाढ़ता के लिए सदैव तत्पर हैं। जिनसे संबंध निभाने हैं उनके लिए किसी भी हद तक त्याग करने को तत्पर हैं। किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को समझने का स्तर उनका बहुत मजबूत है, इमोशंस को समझने की शक्ति उनमें है, और इमोशंस को समझने की शक्ति के साथ साथ उसी के अनुरूप आचरण करने का एक जज्बा है, वो उनका लाजवाब है। मैंने ये भी देखा कि वो अगर व्यवहारिकता की दृष्टि से देखें तो वो अपने काम के साथ साथ भी दूसरे लोगों को सहयोग करने के लिए किसी भी सीमा तक चले जाते हैं। मैंने कई बार देखा कि जब संबंध निभाने के लिए या मेरी समय का टाइम मैनेजमेंट कई बार बहुत गड़बड़ होता है, और मैंने सैकड़ों ऐसे बार देखा कि मैंने उनको बहुत उलझन भरे स्थितियों में उलझा दिया
कि जब वो मेरे साथ आए, उनका उनको मेरा साथ पसंद है, मुझे उनका साथ पसंद है, स्वाभाविक तौर पर मैंने उनको बुला लिया, लेकिन मैं दूसरे गांव में उलझ गया, वो घंटों मेरी प्रतीक्षा करते रहे। वो घंटों प्रतीक्षा करना मुझे भी बोझिल लग रहा है कि मैं उनसे प्रतीक्षा करा रहा हूँ, उनके लिए भी उससे ज़्यादा बोझिल रहा होगा कि वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि जिस मकसद से हम समय बिता रहे हैं साथ साथ, लेकिन हम क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हम फिजिकली तो बैठे हैं लेकिन मैं दूसरे काम में व्यस्त हूँ। लेकिन इसके बावजूद मुझे, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि इसके बावजूद भी उनके शिकर नहीं है, उसके बावजूद भी वो हर वक्त मेरे साथ निभाने के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत सारी यात्राएं हमने साथ साथ की, निरंतर रूप से हम करते रहते हैं, और फिर एक दूसरे से सीखने का मुद्दा, तो पीयर लर्निंग, वो बड़ी शानदार तरीके की है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे साइको स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, तो कभी अध्यात्म की भी बात हो गई, कभी मनोविज्ञान की बात हो गई, करंट अफेयर्स के ऊपर भी बहुत अच्छा विचारधारा रखते हैं, लिखते पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से मिलना और समय बिताना, वो एक क्वालिटी टाइम निकलता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताऊँ, लेकिन व्यवहारिक कठिनाइयाँ मेरे साथ में है, वो है, लेकिन आई एम सो फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसे मित्र मिले और उनके साथ मुझे आनंद की अनुभूति होती है। ये जो फॉर्चुनेट होने वाली बात आपने करते हुए जो मित्रता के बारे में बताया, उसके पहले जब हम बात कर रहे थे तो एक अंडरस्टैंडिंग भाई बहनों में भी, किसी अमुक भाई अमुक बहन के साथ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना, तो कहीं कुछ आपको लगता है कि पूर्व जन्म का कुछ होता होगा कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग को अटेन करेगा, या आप ऐसा सोचते हैं कि हम अपनी पर्सनैलिटी में कुछ इस तरह के डेवलपमेंट की तरफ कॉन्शियसली काम कर सकते हैं कि हम बेटर पॉइज्ड हों, कि हमारे रिलेशंस जो हैं वो मीनिंगफुल हों और हमारे लिए एनरिचिंग हों। सही कह रहे हैं आप कि ये किया भी जा सकता है, लेकिन आसान नहीं है। ये बात सही है कि कुछ लोग बिना किसी कारण के हमें अच्छे लगते हैं, और कुछ लोग बिना किसी कारण के हमें कम अच्छे लगते हैं। वो शायद अपना पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ रहा होगा, हमारे और उनके पूर्व जन्म के संस्कारों के प्रति रहा होगा, या वर्तमान परिवेश में भी कुछ ऐसी बातें रही होंगी जिसके कारण हमें वो, भले ही वो कुछ सब कुछ ठीक कर रहे हैं, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमें कम अच्छे लगते हैं वो। और कुछ लोग भले हमें कुछ दे नहीं रहे हों, जिनसे हम कुछ बहुत अर्जित नहीं कर पा रहे हों, लेकिन हम उनसे, उनके व्यक्तित्व से, उनके उनके किसी भी स्वरूप से हमें आनंद आता है, हमें अच्छा लग रहा है। वो ओरा मैच, जैसे मैं कह रहा था पहले कि वो शायद ओरा मैच, और ओरा मैच वो एक एक मेरे ख्याल में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए बहुत सारी चीज़ों का। वो शायद पूर्व जन्म के संस्कारों से भी जुड़ा रह सकता है, अपने वर्तमान परिवेश में उनके गुण कर्म स्वभाव, हमारे गुण कर्म स्वभाव उसके साथ मैच करने को लेकर के हो सकता है। वो एक स्वाभाविक तरीके से वो चीज़ें समाहित होती है कि उसमें वो चीज़ें अच्छी लगने लगती है, और फिर जो चीज़ें अच्छी लगने लगती है तो स्वाभाविक रूप से सीखने की प्रवृत्ति भी रहती है कि उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखी जा सकती है। अब एक व्यक्ति जिसके जो हमें कम अच्छा लग रहा है, तो उससे भले कुछ ठीक ठाक काम कर रहा हो, लेकिन हम शायद ज़्यादा प्रभावित नहीं हो सकते, लेकिन हम जिनसे हमें आनंद आ रहा है मिलने का, उनकी चीज़ों को हम सीखने की प्रवृत्ति हमारी तरफ से ज़्यादा हो सकती है। तो मैं दो तरह के वातावरण में संबंधों की बात आपके साथ करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि कितना भी समय वो कम ही लगता है, क्योंकि संबंध जो है वो अनंत तक लेकर जाते हैं, और हम थोड़ी देर परिवार की तरफ जब चलते हैं तो परिवार हमारे भारतीय संस्कृति की दृष्टि से भी, और यूं भी देखा जाए तो जहाँ से गृहस्थी की शुरुआत होती है, तो पति पत्नी ये संबंध, फिर बच्चों के साथ संबंध, तो ये वाला जो अनुभव यात्रा आपकी अपनी रही है, और इसमें तरह तरह के रंग आते हैं, इसमें कैसे सामरस्य बना रहे? और मुझे पता है हम बहुत ज़्यादा बारीकी में तो नहीं जा रहे, फिर भी मोटा मोटी हम आपका जो अपना अनुभव कहता है कि ये जो जीवन साथी के साथ वाला संबंध है, क्योंकि अगर अरेंज मैरिज है तो वही आप पहले से जानते भी नहीं होते हैं इत्यादि, इसके बारे में कुछ बताएं। ये बहुत ही, मतलब काफ़ी रोचक बातें हो सकती है इसमें। मेरा व्यक्तिशय तो यही है कि अरेंज मैरिज और अपनी पत्नी से शादी विवाह से पहले कोई मुलाकात नहीं, बस परिस्थिति जन्य हुए, ठीक है, माता पिता की इच्छा और करना है, सो शादी विवाह करना है, करना है। मेरे ख्याल में ज़्यादा अधिकांश भारतीय संस्कृति में विवाह एक तरह से समझौता है। उस समझौते में पति पत्नी अगर दोनों के गुण कर्म स्वभाव मिल जाए
वो लॉटरी लग गई उनकी, और नहीं लगी तो जीवन भर उस समझौते को निभाना है। तो समझौते को निभाने की तरफ आदमी को निभाना ही निभाना है, क्योंकि यहाँ वो स्थिति भी नहीं है कि आपको नहीं मिल रहे हैं, आपका मैच नहीं हो रहा, आप चाहते भी नहीं है कि आपकी इच्छाएँ अलग है, उनकी इच्छाएँ अलग है। अब मेरा जो दृष्टिकोण है उसमें यही है कि अब जो कुछ हो गया उसको आप तालमेल के साथ आगे बढ़ाने की तरफ प्रयास करें। और अच्छा, पति पत्नी के संबंध कुछ इस तरह के होते हैं कि उसमें कुछ खिचखिच भी होती है, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ कमी, वो एक चलता रहता है बस, लेकिन यह कि वो पटरी पर चलती रहे, गाड़ी दौड़ती रहे, वो ज़्यादा अच्छी है। नहीं तो पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो सकता है, परिवार के बच्चों के व्यक्तित्व पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है। तो इन सब को लेते हुए रिश्तों को निभाना, पति पत्नी के रिश्तों को निभाना, पति और पत्नी दोनों के लिए समझौता है। पत्नी भी अपने कल्पनाएं बहुत सारी लेके चलती है कि मेरा पति ऐसा होगा, हो सकता है उसको वैसा पति मिले, हो सकता है नहीं मिले, तो जो मिला उसके साथ उसको समझौता करना पड़ेगा। वो इस चीज़ पति के साथ में भी है कि वो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि पति को जब वो संस्कृति को देखता है वर्तमान परिवेश में दौड़ते हुए, तो उसको वो बहुत मोड़ छोड़ और आधुनिकता को पसंद करता है, लेकिन घर में परिवार में उसको फिर संस्कार भी चाहिए। तो संस्कार और आधुनिकता का संगम दुर्लभ है, तो वो तलाशते रहते हैं। वो एक अनवरत यात्रा है। मुझे लगता है कि ये इसमें यह है कि जो कुछ मिल गया हमें, उस मिलने के ऊपर संतोष करते हुए, उसके साथ सामंजस्य बैठाते हुए और प्रयास करते हुए कि कुछ हमारी वो सुने, कुछ हम उनकी सुने, कुछ हम उनकी तरफ मुड़े, कुछ वो हमारी तरफ मुड़े, और इस तरह से मुड़ते हुए संबंधों की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। अब आपने जो बात कही वो ऐसा लग रहा है कि कोई स्टैंडर्ड बात है, कोई लेक्चरर दे रहा हो और वो कहे कि भाई पति पत्नी के संबंध, पर मैं तो आपसे बात करूँ तो आपको अपनी बात करनी है, तो थोड़ी बहुत कर सकते हैं। मैंने आपको सलाह दी थी कि आप बारीकी में ना जाएं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, जैसे ऐसे मौके होते हैं और हो सकता है कि वो कभी देखें, तो आप उनके बारे में कुछ चार बातें या छः बातें अच्छी कहना चाहें तो कह सकते हैं। और कोई ऐसा क्षण रहा हो जहाँ आपको लगा हो कि एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने की उसमें बात निकल कर आई, जैसे मैं आपको थोड़ा वो कहते हैं कि फीडबैक के जैसे कैसे दूँ कि आपको पता है कि वो जो भूमिका निभाती है उसके द्वारा जो पारिवारिक संबंधों का समुच्चय है उसको निर्वाह करने में एक शक्ति मिलती है इत्यादि। आप सही कह रहे हैं, ऐसा मिलती है, निश्चित रूप से मिलती है। मैं अगर मेरी पत्नी की बात करूँ तो हमारा एक संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार में संबंधों को निभाना बहुत मुश्किल काम होता है, और ख़ासतौर पर तब जब थोड़ी थोड़ी संस्कृति में अंतर हो। मेरी पत्नी उत्तर प्रदेश में मथुरा से हैं, हम लोग परंपरागत राजस्थान के रहने वाले हैं, अजमेर के। यहाँ के अजमेर की संस्कृति और मथुरा की संस्कृति में काफ़ी अंतर है, उनके परिवार में और हमारे परिवारों की सोच में बहुत अंतर है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यहाँ आने के बाद हमारी संस्कृति को अपनाने का भरपूर प्रयास किया। संयुक्त परिवार में रह करके मेरे माता पिता का जितना आदर और सम्मान कर सकती थी वो भी उन्होंने किया, उनकी सेवा शुश्रूषा जितनी हो सकती थी वो भी किया, और ख़ासतौर पर मेरे पिताजी जब अस्वस्थ रहे तो उनकी जितना भी प्रयास वो कर सकती थी पूरे मनोयोग से वो करती रहीं। माताजी साथ में रहती हैं, अब कई तरह के स्वभाव होते हैं बुज़ुर्गों के, अपने अलग स्वभाव होते हैं, उनको भी बर्दाश्त करना, हर तरह से सह लेना और सहने के साथ आगे बढ़ जाना। तो ये एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें वो ये त्याग है, एक तरह से उस त्याग के साथ आगे बढ़ना। फिर लेकिन कुछ समझौते मुझे भी करने पड़ते हैं। उनको डॉग पसंद है, मुझे डॉग घर में पसंद नहीं था, लेकिन फिर मुझे लगा कि क्योंकि उनके परिवार में डॉग रहते रहे हैं और वो बार बार कई बार इच्छा जागृत करती हुई, अच्छा वो अगर उनकी इच्छा है तो बच्चों में भी वो इच्छा जागृत हुई, तो इन सब के कपल चंद था, मुझे पसंद नहीं था लेकिन इसके बावजूद मैंने डॉग घर में फिर लेकर के आया, और अब वो बड़े खुश हैं उस डॉग के साथ। मैं भले ही उतना मैं समझौता करता हूँ कि भाई ठीक है, चलो करना है ऐसा करना है, इनकी खुशी के लिए, इनकी प्रसन्नता के लिए मुझे ये भी करना है। थोड़ी सी बात बच्चों की तरफ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि एक संरक्षक के रूप में हम बहुत आह्लादित होते हैं जब माता पिता को पहले पहले ये पदवी मिलती है कि भाई बच्चा या बच्ची हुए हैं और एक नई भूमिका मिलती है। वो वाले क्षण को याद करते हुए अभी जब बच्चे लगभग अपने अपने मार्ग को तय करने की तरफ बढ़ चुके होते हैं तो माता पिता का या पिता का पुत्र पुत्री के साथ जो संबंध है इसके बारे में आप जनरली कुछ कह सकते हैं, व्यक्तिगत भी कुछ थोड़ी सी टिडबिट आप हमारे साथ शेयर करें।
तो मैंने जैसा आपको बताया कि हमारी एक जॉइंट फैमिली रही है, तो जॉइंट फैमिली के कई सारे लाभ भी होते हैं, और ख़ासतौर पर बच्चों में अच्छे संस्कार का होना, वो भी एक अच्छी बात होती है। परंपरागत रूप से बच्चे अपने माता पिता से और अपने संबंधों के आसपास से सीखते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि बच्चों ने हमारे वही चीज़ें सीखी, और वही किसी की ज़रूरतमंद के लिए हमेशा तत्पर रहना, उसके काम के लिए सहयोग करना, मन में आदर का भाव किसी के प्रति रखना, और साथ में जहाँ कहीं किसी की मदद करने का जज्बा वो भी साथ में रखना, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हमेशा सदैव तत्पर रखना, और साथ में अपनी पढ़ाई लिखाई जैसा भी करें तो वो सब कुछ ठीक ठाक, मतलब जैसा एक सामान्य अच्छी श्रेणी में हो सकता है उस दिशा में वो आगे बढ़ते रहे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मुझे भी उनके साथ में सामंजस्य बैठाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर मोटे तौर पर देखता हूँ तो मैं भी एक परंपरागत परिवार से आता हूँ, तो मैं भी परंपराओं को ज़्यादा महत्व देने वाला व्यक्ति के रूप में अपने आप को पाता हूँ। तो लेकिन फिर मुझे ये देखना होता है कि आधुनिकता जो बच्चों का परिवेश जिसमें वो पढ़ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा उनके साथ में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और मैं होता भी हूँ। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ भी होती है जब थोड़ा सा गतिरोध भी उत्पन्न होता है। बच्चों में एक आत्मनिर्भरता का भाव, वो शायद मेरे में भी था जब मैं ग्रोइंग स्टेज पर था, वो बच्चों में भी है। थोड़ा सा आत्मविश्वास, आत्मविश्वास को कई बार अति आत्मविश्वास की स्थिति में पहुंचाना मेरे में भी था, वो बच्चों में भी है। कुछ एक बच्चों में कई बार एरोगेंसी जैसी स्थिति भी बन सकती है, लेकिन फिर भी सौभाग्य से ऐसी कोई बहुत परिस्थितियाँ अच्छी रही हमारे साथ में, और बच्चे अपनी अपनी लाइन के ऊपर हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, और साथ में कभी ऐसी बहुत कोई प्रतिकूल परिस्थितियां कभी नहीं रही, सामान्य परिस्थितियां रही, और मोटे तौर पर जैसा कहा वैसा उन्होंने माना, लेकिन कुछ जो बहुत सामान्य सी उनकी आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति के लिए भी मैंने विशेष प्रयास किए। लेकिन हाँ, एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से ये भी मानता हूँ मैं कि हमें बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ करने की आवश्यकता भी नहीं है, और मुझे खुशी है कि मैं मन ही मन ये भी एहसास रखता हूँ कि मुझे बच्चों से सिर्फ ये अपेक्षा कर सकते हैं हम कि वो आत्मनिर्भर हों, अच्छे परिवार के साथ में उनका शादी विवाह हो जाए, और वो अपने आप में आनंदित रहें। हम उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं करें कि भाई हम इनके लिए काम आए, बल्कि मेरी ख्याल है वो ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपने आनंद में रहें, हम अपने आनंद में हैं, और जैसी ज़रूरतें एक दूसरे की जब हो तब हम एक दूसरे के लिए आत्मीयता के साथ में मिलते रहें, वो एक महत्वपूर्ण है। जैसे लग रहा है कि आप अपने व्यक्तित्व के साथ में जो व्यक्तिगत अनुभव हैं उनके साथ साथ कहीं ना कहीं एक प्रकार की दृष्टि है जो कि सार्वजनिक रूप से सब पर लागू हो सकती है, और मुझे लगता है कि अगर बहुत अधिक अपेक्षाओं का बंधन रहेगा तो दोनों पक्ष सहज महसूस करेंगे। संबंध की जो यात्रा है उसको लेके जीवन के बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपने आप के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो एक वो गोविंद पारीक जिन्होंने शिक्षा समाप्त की थी, अब आपका 30-40 बरस का जो भी सफ़र अलग अलग स्थानों पर कार्य करते हुए रहा है, तो जो कार्यस्थल पर भी संबंध बनते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग को लेकर कई लोगों के साथ नित्य संवाद की आवश्यकता रहती है, उससे आपने क्या सीखा, और आप कहाँ मानते हैं कि कौन सी ऐसी बातें आप में जिन्होंने मदद की आपको सफल होने में, या कौन सी बातें ऐसी रहीं जिससे आपको लगा कि कहीं आपके विस्तार में कुछ थोड़ा सा संकोच यदि रहा हो? अगर सफलता की और पॉजिटिव बात करें तो शायद एक बात ने मुझे सबसे ज़्यादा आनंदित किया, मैं अपने आप को आनंदित इसलिए कह रहा हूँ कि शायद वो ज़्यादा अच्छा शब्द है, कि मैं जहाँ भी रहा, एक तो रहता है कुछ अपने समकक्ष लोग होते हैं, कुछ वरिष्ठ लोग होते हैं, और कुछ अपने कनिष्ठ लोग होते हैं जिनसे हमें काम लेना होता है, कुछ सीनियर्स हैं जिनकी अपेक्षाओं को हमें पूरा करना है। मैं पूरी तरह से समर्पित भाव से काम करने वाला व्यक्ति रहा हूँ जहाँ कहीं भी रहा, तो वो समर्पण भाव मेरा था, उससे मेरे वरिष्ठ लोग वो सदैव प्रसन्नचित्त रहे, उनकी अपेक्षाएं जितनी थी मैंने शायद उससे ज़्यादा आगे बढ़ करके काम किया, तो मुझे कभी जीवन में लंबे सफ़र में कभी इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं आई कि मेरे सीनियर्स, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो कलेक्टर हो, या डीजी पुलिस हो, या कोई और अधिकारी हो, तो उनके साथ में कभी भी ऐसे संबंधों की स्थिति नहीं आई कि वो कोई अपेक्षाएं कर रहे हैं और मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे डांट खानी पड़ रही हो, या मुझे, बल्कि मैंने उनको, उनके साथ इतनी निकटता रही क्योंकि समर्पण भाव था साथ में,
डेडिकेशन था, तो उसका परिणाम ये रहा कि मैं उनके सलाहकार के रूप में रहा, और ईश्वर की कृपा थी कि मैंने जब कुछ कोई उनका उनको सलाह दी उसको बड़ी गंभीरता से लिया जाता रहा और उसके अच्छे परिणाम भी रहे, तो वो एक आनंद का अनुभव वो था। फिर नीचे जो मेरे कनिष्ठ लोग जिनसे मुझे काम लेना है, तो जब मैं खुद समर्पित भाव से काम कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश रही कि मैं उनको भी प्रेरित करता रहूँ, लेकिन उसमें भी अच्छी बात यह रही कि मुझे उनको प्रेरित करने में कभी ऐसा डांट डपट का या नोटिस देने का या चार्जशीट देने का या आक्रोशित होकर गुस्सा करने का ऐसी परिस्थितियाँ बहुत कम आई। कई बार मुझे ऐसी नौटंकी करनी पड़ी कि मुझे गुस्सा आ रहा हो, बट ऐसी स्थितियाँ नहीं रही। सामान्यतः मुझे अच्छे लोग मिले और उन अच्छे लोगों से मैंने जितना अच्छा काम ले सकता था उतना मनोवैज्ञानिक तरीके से लिया, विनोदपूर्ण तरीके से लिया। मुझे याद आता है कि कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ काम करने पे मुझे एहसास हुआ, उन्होंने खुद ने कहा कई बार ये कि सर हमने जीवन भर काम नहीं किया, आप हमसे इतना काम ले लेते हो और फिर भी हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी पूंजी मैं अपनी आपकी मानता हूँ कि ऐसे लोगों से भी मैंने काम लिया जो खुद ये कहते थे कि हमने जीवन में काम नहीं करने का ही दृष्टिकोण था, लेकिन उनसे बहुत सारी रोचक घटनाओं के साथ मैं कह सकता हूँ कि मैंने उसको बहुत आनंद लिया, उनसे काम भी लिया और आनंद भी लिया। लेकिन हाँ, एक जरूर बात रहती है कि जो मेरे समकक्ष थे मैं उनकी ईर्ष्या का केंद्र रहा हूँ। वो ईर्ष्या का केंद्र क्यों रहा हूँ मैं खुद समझने में विफल रहा कि मैंने कई बार, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने उनको किसी को नुकसान पहुँचाने की चेष्टा की हो, लेकिन मुझे कई बार ये लगता, शायद हो सकता मैं गलत हूँ, कि एक लोकप्रियता या एक सम्मान जो मुझे मिल रहा है अपने वरिष्ठ जन से या अपने जूनियर से जो मुझे सम्मान मिल रहा हो, उन सब को लेकर के मेरे समकक्ष लोगों में एक पता नहीं क्यों इतना एक व्यावसायिक जलन कह सकते हैं उसको, व्यावसायिक ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा की भावना कह सकते हैं, वो स्वाभाविक तौर पर रही है। और उसके कारण कई बार मैं षड्यंत्रों का भी शिकार रहा कि उन्होंने जो चीज़ें नहीं हो रही है लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं मुझे उसके साथ जोड़ा। हाँ, एक बात और है इसके साथ में जो उद्वेलित करती है फिर, और आप उद्वेलित होने के बाद आप खुद फिर षड्यंत्र करने की इच्छा जागृत होती है, फिर जब आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ निरंतर षड्यंत्र हो रहे हैं तो उन षड्यंत्रों का मुकाबला करने के लिए फिर कहीं ना कहीं आपको भी फिर कुछ गोटियाँ फिट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैंने भी की, कई स्थान ऐसे आए तो उन गोटियाँ फिट करने में फिर भी उसमें मेरा अल्टीमेट टारगेट कभी किसी को हर्ट करना है, किसी को बहुत नुकसान पहुंचाने का नहीं रहा। उसमें भी कहीं ना कहीं कोशिश प्रयास ये रहा कि हाँ उसको सबक मिल जाए, लेकिन सबक ही मिले, उसको सजा ना मिले। कुछ ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे मन में दबाए हुए हूँ, जब किसी व्यक्ति ने मेरे प्रति विद्वेष रखा और मैं उस व्यक्ति का बहुत बुरा कर सकता था, लेकिन मैंने सांकेतिक रूप से उसको सबक सिखाने लायक काम करके छोड़ दिया, उसको बुरा उतना नहीं किया, ईश्वर की ऊपर छोड़ा हुआ न्यायप्रिय है, वो सब कुछ देख रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जैसा कोई कर्म कर रहा है उसको अपना परिणाम मिलता रहेगा। गोविंद जी से बात करते हुए जो एक ठोस भाव होता है अपने आप से जुड़े होने का, वो हमारे तक आ रहा है। तो बातचीत के समापन की तरफ बढ़ते हुए, मैं अब एक सबसे महत्वपूर्ण संबंध होता है वो मनुष्य का अपने आप के साथ होता है, तो उस दृष्टि से आप को लगता है कि उसमें कुछ निरंतर विकास यात्रा आंतरिक रूप से रही है जो हमारा अपने आप के साथ संवाद होता है? अब तक के अनुभव और जो यात्राएं आपकी रहीं, उन सब का जो एक सार बनाए वो हमारे साथ बांटें। अशोक जी, जब मैं आत्मचिंतन करता हूं कभी, तो मुझे ये लगता है कि ज़रूर मैंने खुद अपने आप के विकास पर शायद उतना ध्यान नहीं दिया जितना मैंने अपने व्यवसाय के ऊपर, अपने संबंधों पर, अपने मित्रों पर या अपनी यात्रा पर दिया हूँ। आत्मचिंतन कुछ कुछ तो निरंतर चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी ये जो बचपन के संस्कार थे या अपने प्रारब्ध थे, उन्होंने मुझे एक अच्छा मार्ग दिखाते रहे, उसका श्रेय देना चाहूँगा। लेकिन आत्मचिंतन जितना मुझे करना चाहिए था अपने आप का, या जितना आत्मचिंतन करके मैं और ज़्यादा अपने विकास की तरफ बढ़ सकना चाहिए था मुझे, वो मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा विस्तार की ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा है कि जितना आवश्यक चीज़ें आत्मचिंतन की थी वो स्वाभाविक तौर पर चलती रहती है, और उसमें कोशिश इसी बात की रहती है कि कुछ न कुछ नया सीखने को मिले, कुछ आगे कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे अपने को नुकसान हो
या एक एक सभ्य मनुष्य के लिए जो उचित नहीं है, उन कर्मों से हम दूर रहें। कई बार लालच भी होता है कई चीज़ों का, बढ़ते हैं लेकिन फिर स्वाभाविक तौर पर कदम रुक जाते हैं कि हमें वो उस तरफ नहीं बढ़ना आगे। ऐसा ऐसी एक सामंजस्य का दृष्टिकोण चलता रहता है। लेकिन हाँ, जितना मुझे और ज़्यादा स्वाध्याय करना चाहिए था वो मैं स्वाध्याय अपने समय अभाव के कारण उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि कर लूँगा, लेकिन अब मुझे एहसास होने लगा है कि समय तो फिसल रहा है हाथ से, लेकिन मुझे जितना आत्मचिंतन करना चाहिए, जितना स्वाध्याय करना चाहिए और अपने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को और स्पष्ट करना चाहिए, वो एक एक नॉर्मल वे में सामान्यतः स्वाभाविक दौड़ में चलता रहता है कि हाँ, मेरे जीवन का दृष्टिकोण यह है। और उसका मोटे तौर पर यही मानता है कि अपने जीवन का दृष्टिकोण जो मैं लेकर के चल रहा हूँ कि हम अपने जीवन से किसी न किसी के लिए मददगार सिद्ध हो सकते हैं, वो सबसे बढ़िया चीज़ है। किसी के मार्ग का कांटा ना बने, किसी के चुभे नहीं, किसी को आनंदित कर सकते हैं तो वो आनंदित करते रहें, मोटे तौर पर यही भाव रहे। तो गोविंद जी के साथ बातचीत होते हुए मुझे नहीं मालूम था कि हम दोनों बातें करेंगे वो इतनी गंभीर टाइप की बातें हो जाएंगी, और हो गई, क्योंकि जीवन गंभीर है, संबंध गंभीर, हम दोनों भी गंभीर टाइप के लोग हैं, मतलब गंभीरता से जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। तो अंतिम प्रश्न के रूप में गोविंद जी, अगर आप संबंधों की दृष्टि से देखें, कोई ऐसी दो बातें जो जिनको लेकर आपको बहुत संतोष है कि भाई मैं इन बातों को लेकर अपने संबंधों को अपनाने में और उनको आगे ले जाने में मैं समर्पित रहा, दो ऐसी बातें जिनमें आपको लगे कि यह मुझे थोड़ा सा कुछ सुधार अपने अंदर या कुछ परिष्कार करना चाहिए था। जो अच्छी बातें हों तो वो तो ये है कि संबंधों के प्रति ऑनेस्टी, ईमानदारी इस वे में कि हम उसमें नौटंकी नहीं करते हुए, अपन ठीक है, ये बात सही है कि कुछ तो नौटंकी जीवन में अनिवार्य तत्व है कि वो होता ही होता है, लेकिन अगर किसी को मन से स्वीकार किया तो उसको मन से स्वीकार ही रखना है, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो मेरे साथ में ये भी है कि मैंने अगर किसी को स्वीकार किया है तो मैं पूरे मनोयोग से स्वीकार करके उसको अंतिम क्षण तक निभाने का पूरा प्रयास करता हूँ। अच्छी बात के तौर पर लूँ तो मैं ये भी लेता हूँ कि हाँ, अगर मेरे संबंध जिसके साथ में है, अगर मैं उसके लिए किसी हद तक काम आ सकता हूँ तो मैं अपनी तरफ से तत्पर रहने का प्रयास करता हूँ। कमी अगर मैं मानूँ तो यह है कि थोड़ा सा मैं अपनी नौकरी के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा समर्पित हूँ, इसके कारण मैं शायद टाइम मैनेजमेंट मेरा गड़बड़ रहता है थोड़ा सा, समय प्रबंधन, जिसके कारण मैं खुद आत्मचिंतन भी नहीं कर पाता सकता हूँ। और कई बार संबंधों को जब मेरी सख्त ज़रूरत होती है तब उतना सक्रियता के साथ में मुझे सहयोग जो कर देना चाहिए, उपलब्धता खासतौर पर से, मैं काम अनुपलब्ध होने के बावजूद भी ये तय है कि अगर मुझे संबंध निभाने के लिए कुछ करना है तो मैं निश्चित रूप से करने का भरपूर प्रयास करता हूँ, लेकिन हाँ, भौतिक रूप से मेरी उपलब्धता वो थोड़ी सी सीमित हो जाती है। और दूसरा एक ये भी शायद कमी मान सकता हूँ मैं कि बहुत कैलकुलेटिव मुझे होने की ज़रूरत पड़ती है। कई लोग मानते भी हैं कि मैं बहुत कैलकुलेटिव हूँ, लेकिन मैं उतना कैलकुलेटिव हूँ नहीं वास्तव में। वो स्वाभाविक तौर पर चीज़ें अपने स्वाभाविक तौर पर चलती रहती हैं और उनमें कई बार शायद किसी को गंभीरता की कमी का एहसास हो सकता है कि मैं उतना गंभीर नज़र नहीं आ रहा हूँ, लेकिन वो स्वाभाविकता है और मैं उसमें उसका आनंद लेता रहता हूँ। तो हमने बहुत आनंद लिया गोविंद जी के साथ बातचीत का, और मुझे ये लगता है कि इस तरह की बातचीत के द्वारा कहीं ना कहीं हम जीवन के साथ और ईमानदारी से जुड़ने, निष्ठा के साथ उसको समझने की दिशा में साथ साथ मिलकर चिंतन करने का एक अवसर जुटाते हैं। और इतनी निश्चलता से, इतनी ईमानदारी से, इतनी बेबाकी से जो बातें आपने हमारे साथ बांटी, तो निश्चित रूप से ये था भी इनफॉर्मल की इनसाइट संबंध है, मगर फिर भी यह है कि बात हम दोनों के अलावा भी औरों तक जा रही है, जा सकती है। पर आपने जो जो एक धारा आपकी अंतर्निहित भाव की है उसको आपने बिल्कुल निश्चलता से और सहजता से उसको प्रवाहित होने दिया, उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए नमस्कार आपको मैं कर रहा हूँ। और गोविंद जी का धन्यवाद है और आपका भी धन्यवाद करते हुए मैं, हमारे जो एक मित्र का उल्लेख इन्होंने किया था वो भी कैमरे के पीछे हैं, हमारे साइको स्पिरिचुअल काउंसलर डॉक्टर नितिन सारस्वत जी, उनका भी धन्यवाद है और सबके लिए खूब खूब मंगल कामनाएं।